तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मेरे किचन में है पत्ता गोभी की कुछ हटके सब्जी। मतलब अगर आप पूरा फुल वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पत्ता गोभी की सब्जी थोड़ा हटके बनी है, बट जब आप इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत कम मसाले में। और कुछ भी ऐसा खास नहीं है, पर आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी यूनिक है ये। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनी। सबसे पहले हमें लेना है एक भारी तले की कढ़ाई, मतलब कि आप फ्राइंग पैन भी इसे बना सकते हैं या आपको जो नॉनस्टिक कढ़ाई होती है उसमें भी बना सकते हैं, बट आपको जो भारी तले की कढ़ाइयाँ रहती है उसमें बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल और साथ में लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन जो है वो आप उसको कूट भी सकते हैं और उसका पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया है, साथ में लिया है थोड़ा सा मेथी दाना, क्योंकि पत्ता गोभी में लहसुन और मेथी दाना और हींग इसका बघार बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं और भी चीज़ें ली हैं जिसमें है आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई दाना, और इसमें डाली है आधा चम्मच हमने हींग। और फिर हम लेंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज और इसमें दो हरी मिर्च हमने ऐड कर ली है, और ट्रांसपेरेंट होने तक इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम लेंगे मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, और यहाँ पर मैंने दो आलू लिए थे, ये कच्चे आलू हैं, और इसको ही हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा हम भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तब हमको इसमें डालना है कटी हुई पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी जब भी आप बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि पत्ता गोभी में कोई भी छेद ना हो, उसके बाद उसके ऊपर के पूरे पत्ते हटा दीजिए, और फिर उसको पूरे पत्तों को देखने के बाद साफ़ पानी से 3-4 वॉश करिए, फिर इसे बारीक काट कर और सब्जी बनाइए, क्योंकि इसमें कई बार कीड़े भी रहते हैं, इसलिए हमें इसे देखना और अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, यहाँ पर सारी पत्ता गोभी को हमने प्याज के साथ में मिक्स कर लिया है और इसे हम स्टीम देंगे। स्टीम देने से पहले हमने इसमें मिला देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक को भी पूरी पत्ता गोभी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो एक बार फिर से खोल कर इसे चला कर देखेंगे। देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद जब हम इसे खोलते हैं तो सब्जी लगभग थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, पर अभी हम इसे 1 से 2 मिनट फिर से कवर करके पकाएंगे। जब दोबारा इसे हम खोलेंगे तब सब्जी थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब ये स्टीम में ही पक रही है तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें पत्ता गोभी के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर सब्जियों को साइड करके 2 कटे हुए इसमें टमाटर लेने हैं और उसको उसमें अच्छी तरह से दबाकर फिर से स्टीम करना है 1 मिनट के लिए। फिर आप देखेंगे खोल कर तो टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और जब टमाटर गलने लगेंगे तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नॉर्मल मसाले हैं, कोई भी आपको इसमें खास मसाला नहीं डालना है। हाँ, अगर आपके पास हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है हल्दी पाउडर, साथ में है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम लिया है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है, और साथ में है धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया था। इन सभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे फिर से कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। और देखिए, जब हम इसका कवर हटाते हैं तो हमारी सब्जी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। मिनिमम 6 से 7 मिनट के अंदर आपकी पूरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, आलू भी पक चुके हैं, आप इस तरह से इसे दबाकर भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा सब्जी को स्टीम करके पकाएंगे उतना ही ज़्यादा सब्जी में टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे, जिसमें है गरम मसाला पाउडर, साथ में है थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर, या जिसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, इससे कलर के लिए थोड़ा अच्छा कलर इसका दिखाई देता है। और उसके साथ में हम इसमें लेंगे आधा चम्मच से भी कम अमचूर पाउडर, आप चाहें तो अमचूर पाउडर इसमें डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किए हुए हैं। इसके बाद 1 से 2 मिनट इसे आपको फिर से कवर करके आपको पका लेना है, ताकि हमने जो भी मसाले बाद में ऐड किए हैं उनका फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाए। और अब देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और इसे लंच में भी ले जा सकते हैं।